नमस्कार दोस्तों, बॉबू यू के 04 में आपका स्वागत है। इस वक्त दोस्तों ठीक 6:30 बज रहा है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ देहरादून, मेरा बाइक राइडिंग है। तो दोस्तों मेरे पीछे का व्यू ये, ठीक 12 पत्थर से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं निकलते हैं देहरादून की तरफ, देखते हैं कितना समय लगता है, रास्ते में क्या क्या एक्टिविटी मिलता है वो मैं आपको दिखा पाऊँगा। दोस्तों तो दोस्तों इस वक्त मॉर्निंग का व्यू है, 6:30 बज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस व्यू के साथ साथ ही सामने का व्यू। ये दोस्तों 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड के पास है और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पर रहा मेरा बाइक। तो दोस्तों मेरी राइट यह है, बाइक मेरी स्टार्ट है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं नारायण नगर से बहुत ही सुंदर व्यू। नीचे आप लोग देख सकते हैं रोड, और दोस्तों नीचे जो दिखा रहा हूँ वो होगा जिप लाइन। यहाँ से जिप लाइन का जिप लाइन होता है, और नीचे वाटरफॉल, और ये है दोस्तों कुरपताल का एरिया। तो सामने देखेंगे आपको पार्किंग और नारायण नगर का गांव आप लोग को दिखाई देगा, ये सामने का व्यू के साथ साथ ही। दोस्तों मैं निकलता हूँ देहरादून की तरफ क्योंकि मुझे जाना है बाइक पे। बाइक मेरी रेडी है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग इस वक्त मैं कुरपताल का एक पॉइंट है, सबसे सुंदर पॉइंट आप लोग देख सकते हैं सामने जा रहा हूँ। तो मैं ये रहा दोस्तों हनुमानगढ़ी, वो जो सामने दिखाई देगा, जो नीचे दिखाई देगा, यहाँ से बाईपास रोड है हल्द्वानी की तरफ। तो जिसकी मैं बात करता हूँ, जो कुछ मैं हमेशा दिखाता हूँ, वो रहा दोस्तों ये कुरपताल नीचे, और आपको दिखाई देगा बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ मॉर्निंग में 6:30 का टाइम। आप लोग देख सकते हैं ये रहा कुरपताल, क्योंकि आज दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम है। और इस वक्त देख सकते हैं सामने, ये रहा नीचे जो दिखाता हूँ बाजपुर, और नदी दिख रहा है काफ़ी नीचे ये नदी, क्योंकि बरसात का टाइम है और नदी काफ़ी उफान पर है। तो दोस्तों यहाँ मॉर्निंग का व्यू काफ़ी खूबसूरत, बिल्कुल क्लियर वेदर के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों नीचे आपको ये चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे, और काफ़ी सुंदर चीड़ के पेड़ स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और आप लोग मॉर्निंग में इसकी हवा आपको लगी तो काफ़ी अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों सामने आप लोग देख सकते हैं ये रहा जिप लाइन, यहाँ पर होता है दोस्तों। इसी के थोड़ा नीचे आपको वाटरफॉल मिलेगा, और सामने नारायण नगर का गाँव आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ में। यहाँ से कुरपताल के काफ़ी नज़दीक सामने आप लोग देख सकते हैं व्यू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गांव है, और काफ़ी अच्छा यहाँ खेती होती है। तो दोस्तों सामने रहा रोड। तो दोस्तों जब भी मैं देहरादून आता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोलू देवता का मंदिर, यहाँ पर सॉरी श्री मनसा देवी। तो दोस्तों यहाँ पर आके मैं हमेशा दर्शन करता हूँ, तो मैं दर्शन करने जा रहा हूँ जब भी मैं देहरादून आता हूँ यहाँ पर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जब भी आता जाता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से दर्शन कर मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये रहा बाजपुर, मुझे यहीं पहुँचना है, जो नीचे बादल के नीचे जो है शहर, वही पहुंचना है। मैं बाजपुर शहर आपको दिखाई दे रहा है, और मैं रेडी निकलता हूं यहां से। तो दोस्तों मैं उतर चुका हूं काला ढूंगी के आसपास। तो दोस्तों यहां से देखेंगे बहुत ही गजब का व्यू, और सामने आप देखें टोटल प्लेन्स में आते हैं तो साल का पेड़ ही आपको दिखाई देगा। ये पूरा जंगल आप लोग देख सकते हैं, सामने रहा बाजपुर, सभी एरिया आपको मैं यहाँ से इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू काला डूंगी से थोड़ा ऊपर, थोड़ी देर में मैं काला डूंगी पहुँच जाऊँगा। तो मित्र मैं पहुँचा हूँ हरिद्वार में, अभी हरिद्वार का पुल पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू। मैं दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से, मेरे साथ बने रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसी हरिद्वार का व्यू है,
ये पुल पर खड़ा हूँ मैं इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार जो भी ये है गंगा नदी, आप लोग देख सकते हैं हर हर गंगे भाई साहब ये है। देखिए आप यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं सारा खूबसूरती यहीं से आपको दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं सामने का व्यू बहुत ही गजब का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं हरिद्वार में आजकल, क्योंकि बारिश का टाइम और पानी थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ टाइप का, एक ही गेट खुला हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं पानी कितना फोर्स में आ रहा है। और उस तरफ रहा हरिद्वार का जो स्नान करने का दोस्तों, उस तरफ है। आप जो भी जब भी हरिद्वार पे आए स्नान के लिए उस तरफ से जाए। मैं अभी इस वक्त मेन रोड पर खड़ा हूँ, आप लोग देख सकते हैं उस तरफ स्नान कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं वहाँ का, ठीक इसी के आगे दोस्तों शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ये रहा शिव जी का मूर्ति, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर इस ब्लॉक को देखें, शिव जी का मूर्ति है दोस्तों, यहाँ पर हरिद्वार पे स्थित है सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ पर। जिसको भी यहाँ पर ये ब्लॉग मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर करना तो ज़रूर ना भूले दोस्तों। फिर भी आपको जिसको भी देखता है तो हर हर गंगे कर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने देखा है दोस्तों। ये रहा हरिद्वार पे, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मैं हरिद्वार पे ही हूँ। तो दोस्तों मैं ठीक हरिद्वार शिव जी की मूर्ति के सामने, मेरे पीछे मूर्ति है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य, मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों जो भी ब्लॉग ये जिसको भी जाएगा हरिद्वार में, मैं स्थित हूँ हर हर गंगे कर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने देखा है और कमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता चलेगा। दोस्तों मैं फ्रंट कैमरा से आपको दिखा, यहाँ पर नहाने के स्थान भी आपको यहाँ पर भी स्थान है, जो भी स्नान करना चाहते हैं तो इस तरफ भी आप लोग आकर बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। कुछ लोग बैठे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए गार्डन भी है, आप लोग देखें। काफ़ी गर्म है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ठीक आपको दिखाई देगा शिव जी का मूर्ति, हम लोग के पीछे है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं देहरादून में। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यही अंत करना चाहता हूं और कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं देहरादून में आया हूं और देहरादून में कल है आंग का मैं अच्छा सा ब्लॉग दूंगा, और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय।